रखें कि यहाँ हम आए हैं अल्लाह के हुक्म के तहत अल्लाह को पाने के लिए, तो फिर मामला बहुत आसान हो जाएगा कि अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह के बंदे के पास आए हैं, अल्लाह के बंदे के ध्यान में अल्लाह को पाना है। फिर ख्याल पैदा होता है कि वो कैसे पाना है। अक़ल इस्लाम ने फरमाया, मन आरफ नफ्स फ़क़द आरफ रब्बा, कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने तो रब को पा लिया। तो हम अपने नफ्स को कैसे हम पहचाने और पाएं? हमने तलाश किया बंदा जिसने नफ्स को पहचाना और रब को जाना, इसलिए हम उसके पास चले गए। जब उसके पास चले गए तो पहले हमने उस बंदे को पहचानना है। जब उसकी पहचान होगी, अपने नफ्स की पहचान साथ ही हो जाएगी, रहमान की भी पहचान साथ ही हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने कहा कि बिशर आफी के पीछे दौड़ते रहते हो, उसके पीछे दौड़ते रहते हो, इतने फकीहुल असर, बड़े साहिब इलम थे। उन्होंने कहा हाँ यही बात है कि जिस को मैं मानता हूं ये बिशर हाफी उसको जानता है। मान तो लिया कि अल्लाह है, जानने के लिए जानकारी की जरूरत है, जानकारी के लिए जानकार की जरूरत है, फिर जाके पता चलेगा कि ये वो है क्या जिसको हम बोल, उसका तो वजूद ही नहीं है। हम ऐसे खाक शोर मचा रहे हैं जो है ही नहीं, वजूद ना हो तो उसका होना होता है। किसी के होने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, मौजूदगी के लिए उसका वजूद का होना जरूरी है। ये क्या चीज है कि वजूद उसका नहीं है मगर वो है। अब ये आसान बात नहीं कि इसी तरह तुम समझ जाओगे। तो ये तुम्हें तब पता चलेगा कि जब तुम किसी के हो जाओगे, तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा, तुम मौजूद रहोगे, समझो कि खुदा को पा लिया। कि तुम मौजूद होगे मगर तुम्हारा वजूद नहीं हो, तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। हौसल शाह कहते हैं मस्जिद में मैंने देखा एक आया मस्त, उसने कहा ला इलाह, वो खुद गायब हो गया, इल्लल्लाह कहा फिर हाजिर हो गया, फिर कहा ला इलाह, गायब हो गया, इल्लल्लाह कहा फिर हाजिर हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल किया होता है, वो खुद ला मौजूद होते हैं मौजूद होके। ये शान खुदाबंदी है, मगर कहारी हो, गफारी हो, कुदूसी हो, जबरूत, ये चार अनासर हो तो बनता है सिर्फ एक मुसलमान है।